हाँ हाँ जरा वो ठीक से बांधना। हाँ थोड़ा लेफ्ट, ढीला है वहां। क्या मरने की तैयारी कर रहा है ना? मैं तो तुझे बस हेल्प कर रहा था, और क्या, ताकि तू बच ना पाए। क्योंकि क्या है ना, ना तो तूने अपनों के बारे में सोचा, ना ही परिवार के बारे में। अरे कम से कम गर्लफ्रेंड के बारे में तो सोच लेता। अच्छा चल छोड़, एक बात बता, क्या होगा तेरे मरने से? कुछ बदलने वाला है क्या? ना तो तू आर्मी में है जो तुझे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, और ना ही तो कोई बड़ा फिल्म स्टार है जो सैकड़ों की भीड़ तेरे पीछे उमड़ेगी। तो फिर है क्या तू? हाँ बस यही मोहल्ले में खेला करता था। अरे वो तो मास्टर जी थे जिन्होंने तेरे अंदर के हुनर को पहचाना। चल वो भी छोड़, नीचे आ। हाँ नीचे। बैठ। स्टेट लेवल पर ही हारा है ना तू? मोहल्ले में खेलते समय कभी सोचा भी था कि तेरा सपना पूरा करने के लिए तू स्टेट लेवल तक की भी पहुंच पाएगा? हाँ भाई, तू सिर्फ स्टेट लेवल पे हारा है। कभी नेशनल लेवल पे हार के देख, इंटरनेशनल लेवल पे हार के देख। अरे मैं तो कहता हूं तू ओलंपिक में हार के देख। पर उस हार का स्वाद चखने के लिए ना तुझे तो जिंदा रहना पड़ेगा। पर तू है कि कहीं और निकलने के फिराक में है? हाँ देख भाई, मैं ना तुझे ओलंपिक में हारते हुए देखना चाहता हूं, ताकि पूरे देश को पता चले कि इंडिया के जाबाज आज गोल्ड नहीं ला पाए। तब मरेगा ना, तब मजा आएगा, क्योंकि तब तो स्टेट लेवल का चैंपियन बन के नहीं बल्कि ओलंपिक का चैंपियन बन के हारेगा। क्यों हारूंगा मैं, क्यों हारूंगा मैं ओलंपिक? हारी तो रहा है, जीत कहां रहा है तू ओलंपिक? जीतने के लिए तो वहां पहुंचना पड़ता है। पर तूने तो कहीं और पहुंचने की तैयारी कर रखी है। नहीं मैं ऐसे नहीं हार सकता। सिर्फ स्टेट लेवल पे हारने से मैं खुद को नहीं तोड़ सकता। ये तो बस एक कंकर ही तो था जो मेरे पैरों में चुभ गया था, और मैंने पूरे पैर ही काटने की ठान ली। बरखुरदार, कंकर चुभने से पैर नहीं काटा करते। हाँ बल्कि मरहम किया करते हैं, और ठीक होने पे उसी पैरों से मीलों की दूरी तय की जाती है। हाँ ठीक कहा, तो आओ फिर। इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है,